हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? सो वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑन आवर वीडियो सीरीज ऑफ आर्डिनो ट्यूटोरियल। हम पहुंच चुके हैं अपने सेकंड प्रोजेक्ट में। सेकंड प्रोजेक्ट का नाम है SOS, मोर्स कोड सिग्नलर। नाम देखने से बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट उतना ही ईजी है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस प्रोजेक्ट का सर्किट सेम रहने वाला है फर्स्ट प्रोजेक्ट से। सो आई होप यू आर रेडी विद द सर्किट ऑफ फर्स्ट प्रोजेक्ट। अगर आपने नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप फिर से कनेक्ट कर लें फर्स्ट प्रोजेक्ट के सर्किट को। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट का एम क्या है। इस प्रोजेक्ट में हम सेम एलईडी को यूज करेंगे एक इंटरनेशनल मोर्स कोड को इनकोड करने के लिए। एक्चुअली इंटरनेशनल मोर्स कोड एक 3 डिजिट कोड है SOS, जिसमें हम एस को डिट से रिप्रेजेंट करते हैं और ओ को डा से रिप्रेजेंट करते हैं। डिट्स और डा क्या होता है वो हम जब कोड को समझेंगे तब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्चुअली इंटरनेशनल मोर्स कोड डिस्ट्रेस सिग्नल को सिग्निफाई करने के लिए होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो ये देख सकते हैं कि ये हमारा सर्किट है, ये प्रीवियस प्रोजेक्ट का ही सेम सर्किट है। तो अगर आपने इस सर्किट को पहले से बना के रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अभी बना लें। हाँ, लेकिन हम इसमें एक चेंजेस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पिन नंबर 10 पे हमने कनेक्ट किया था, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये पिन नंबर 10 कंपलसरी नहीं होता है। अगर आप चाहें तो इस पिन को चेंज करते हैं कर सकते हैं। तो हम अभी इस पिन को चेंज करके चेक करेंगे कि हमारा कोड सही काम करता है या नहीं। तो अब मैं पिन नंबर 10 से हटाकर इसे पिन नंबर 8 में कनेक्ट करने जा रहा हूँ। आप चाहें तो किसी और डिजिटल पिन में इसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो कि किसी और डिजिटल पिन में कनेक्ट कर सकते हैं, बल्कि मैं तो चाहूँगा कि आप किसी और डिजिटल पिन में इसे कनेक्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपने सबसे पहले कोड को समझेंगे, फिर हम कोड को टाइप करेंगे अपने आईडी में और उसको अपलोड करेंगे। सबसे पहले लेट पिन नेम का एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, जैसा कि पिछले प्रोजेक्ट में किया था। इसका वैल्यू 10 है, क्योंकि चूंकि हमने इस प्रोजेक्ट में इस वैल्यू को चेंज कर दिया कि मैंने 10 से ले कनेक्शन को हटाकर 8 में डाल दिया है। आपने जिस भी डिजिटल पिन में उस कनेक्शन को डाला है उस पिन के वैल्यू को यहाँ पे से स्टोर करना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो वॉइड सेटअप फंक्शन है। इसमें हमने फिर से पिन मोड फंक्शन का यूज किया है, जो कि बिल्ट इन फंक्शन होता है। अगर आपको पिन मोड फंक्शन के बारे में नहीं पता है तो आप हमारे पहले वीडियो को रेफर कर सकते हैं, उसमें हमने पिन मोड फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि पिन मोड में हमने लेट पिन का मोड चेंज करके इनपुट से आउटपुट कर दिया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं वॉइड लूप में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल मोर्स कोड 3 डिजिट कोड है SOS, जिसमें हम एस को 3 डिट से रिप्रेजेंट करते हैं और ओ को 3 डा से रिप्रेजेंट करते हैं। वो वही हम अभी करेंगे। सबसे पहले तो 3 डिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने फॉर लूप का यूज़ किया है। इसमें हम एक्चुअली पिन जो भी हमारा एलईडी है उसको 3 बार ब्लिंक कराते हैं, और ये जो ब्लिंक का गैप होता है उसमें टाइम डिले होता है वो बहुत कम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिले हमने 150 मिलीसेकंड का यूज किया है। इसमें फॉर लूप के थ्रू हमने 3 बार सेम कोड को ना लिख के 3 फॉर लूप का यूज किया है। इसमें फॉर लूप 3 बार चलेगा, x=0 से लेकर x<3 मीन्स एक्स के 3 वैल्यू 0, 1 और 2 के लिए हमारा कंट्रोल इस लूप में एंटर करेगा। अगर आपको फॉर लूप के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप से हमारे सी प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल को चेक कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको फॉलो करके आप उसको समझ सकते हैं। आप इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर आप चाहें तो उसके कट इसका लिंक सिप कट इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको फॉलो करके चेक करें। इससे आपको कोड को समझने में आगे और आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 डाज, उससे पहले डिले 100 मिलीसेकंड का डिले दिया गया, फिर 3 डाज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके लिए फिर से हमने लूप का यूज़ किया है। इसमें हम थ्री थ्री टाइम्स एलईडी बल्ब को ब्लिंक करेंगे, लेकिन इसमें जो गैप होगा वो ज़्यादा का होगा। हमारा हाई स्टेट
का डिले 400 मिलीसेकंड का होगा, मींस इसमें जो टाइम डिले होगा वो ज़्यादा का होगा और हमारा एलईडी ऑन स्टेट में ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा इन कंपैरिजन विथ डीट्स। तो 3 डार्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 400 मिलीसेकंड का यहाँ पे डिले यूज़ किया है। और एज़ यूजुअल जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, डिजिटल राइट के थ्रू हम लेट पिन के स्टेट को चेंज करते हैं। अगर आप इस फंक्शन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने हमारे प्रीवियस वीडियो को चेक करें, पिछले वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इसमें हमने लेड पिन के स्टेट को पहले हाई में चेंज किया, फिर उसको 400 मिलीसेकंड का डिले दिया और फिर वापस से हमने लेड पिन को लो स्टेट में किया और यहाँ डिले 100 मिलीसेकंड का रखा। और इस कोड को 3 बार रन किया जाएगा, मींस 3 3 बार हाई स्टेट और 3 बार लो स्टेट होगा। उसके बाद वापस से हम 3 डिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं प्रोग्रामिंग में और यहाँ पे प्रीवियसली हमने ये कोड है वो उसको वापस से सेम कोड यहाँ पे यूज़ किया गया है 3 डिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। डिले आप देख सकते हैं 150 मिलीसेकंड का ही है और ये SOS सिग्नल दे देने के बाद हमने डिले 5000 मिलीसेकंड का रखा है, मीन्स 5 सेकंड का रखा। आपको फिर से एक बार समरी बता दूं कि हम इंटरनेशनल मोर्स कोड को 3 डिजिट वो लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, SO और S। S को हम 3 डिट से रिप्रेजेंट करते हैं और O को हम 3 डार से रिप्रेजेंट करते हैं। डिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने डिले का टाइम कम रखा, मीन्स 3 बार फ्रिक्वेंटली बहुत ही कम टाइम डिले के लिए एलईडी बल्ब ब्लिंक करेगा। उसके बाद 3 डार्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें एलईडी का ऑन स्टेट ज़्यादा टाइम के लिए रहता है, 400 मिलीसेकंड के लिए रहता है, और उसके लिए हमने डिले 400 मिलीसेकंड का यूज़ किया। वापस से हमने 3 डिट्स को रिप्रेजेंट किया जिसमें वापस से हमारा डिले बहुत कम टाइम का रहा, मीन्स 150 मिलीसेकंड का रहा। और ये कोड रिप्रेजेंट करने के बाद हम 5000 मिलीसेकंड का डिले लेते हैं। आइए चलिए अब हम इस कोड को टाइप करेंगे और आर्डिनो पर अपलोड करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने अपने कोड को टाइप कर लिया है। और आपको एक बात या फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि यहाँ पे कोड हमारे बुक में जो कोड दिया गया है, जो आपको इनकार्ड के द्वारा मैनुअल प्रोवाइड किया गया है, उसमें भी जो कोड है उसमें लेड पिन का वैल्यू 10 है क्योंकि कनेक्शन में वहाँ पे 10 था, लेकिन हमने कनेक्शन में चेंजेस किए थे और डिजिटल पिन के दूसरे वैल्यूज़ में हमने उसको कनेक्ट किया था। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने 8 में कनेक्ट किया था, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 8 में कनेक्ट किया है, तो मैं लेड पिन का वैल्यू 8 रखा हूँ। और आपने जिस डिजिटल पिन में भी उसको कनेक्ट किया होगा, आप उस पिन का वैल्यू वहाँ पर स्टोर करें। तो कोड को वेरीफाई करेंगे और चेक करेंगे इसमें किसी तरह का एरर तो नहीं है, हमारा कोड कंपाइल हो रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा कोड कंपाइल हो चुका है और इसमें किसी तरह का कोई एरर नहीं है। अब हम इस कोड को अपलोड करेंगे, हमारा कोड अपलोड हो रहा है और ये देख सकते हैं कि हमारा कोड अपलोड हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि 3 डिट्स के बाद 3 डार्स आते हैं और वापस से 3 डिट्स और वापस से ये 5000 मिलीसेकंड का डिले है। क्योंकि ये अच्छे से हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं इसलिए हम डिले को चेंज करेंगे। हमें ये पता है कि डिट्स का में डिले कम टाइम का होगा और डा में डिले ज़्यादा टाइम का होगा, तो सबसे पहले हम चेंज करेंगे डिट्स के डिले को। हम चेंज करके 350 मिलीसेकंड कर देंगे और डा के डिले को चेंज करके हम 800 मिलीसेकंड कर देते हैं। डिट्स के आपको याद दिला दूँ, डिट्स के डिले को चेंज करने के लिए आपको 2 जगह पे कोड में चेंजेस लाने होंगे, क्योंकि हम दो डिट्स को डिनोट करते हैं, डिट्स एस को डिनोट करता है। आइए वापस से कोड को अपलोड करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा चेंजेस आया है कि नहीं। हमारा कोड अपलोड हो रहा है और आप देख सकते हैं कि 3 बार डिट्स के बाद 3 डार्स हैं और उसके बाद फिर से 3 डिट्स और फिर 5000 मिलीसेकंड का, मीन्स 5 सेकंड का डिले, फिर से 3 डिट्स, 3 डार्स और वापस से 3 डिट्स। ऐसे ही आप कोड को चेंज करके डिफरेंट डिलेज के लिए चेक कर सकते हैं।
तो इस वीडियो में हमने सीखा कि सबसे पहले बात तो मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि इस वीडियो के थ्रू हमने सीखा कि लेड पिन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, हम किसी भी डिजिटल पिन में उसको कनेक्ट कर सकते हैं सर्किट को। दूसरा कि हमने फॉर लूप को जाना कि फॉर लूप के थ्रू हम सेम कोड को दो तीन बार, जितने भी रिक्वायर्ड टर्म्स हैं इसमें दो बार सॉरी 3 बार हमने रन किया फॉर लूप को यूज करके। हम एक कोड को अगर हमें एक से ज़्यादा बार रन करना है तो उसमें हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। अगले प्रोजेक्ट में हम ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम देखेंगे, और तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर दिस अमंग योर फ्रेंड्स एंड रिमेंबर वन थिंग, डोंट लेट योर एजुकेशन सिस्टम लिमिट योर लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।